तो हेलो गाइस, तो कैसे आप सब। तो भाई मैं हूँ तुम्हारा दोस्त बब्बू गेमर। एंड भाई आज हम लेके आ चुके हैं आपके लिए FS16। और FS16 आपको पता ही होगा कि यार एक पुरानी गेम है जो कि FS फार्मिंग सिमुलेटर वालों की, जाइंट सॉफ्टवेयर वालों की। तो यार ये बहुत बढ़िया गेम्स बनाते हैं फार्मिंग वाली, और बहुत बढ़िया गेम प्लेज होते हैं इनके। एंड बाकी और कुछ एक्सटेंशन होती हैं इसकी, तो बहुत बढ़िया गेम्स हैं। जैसे लाइक फार्मिंग सिमुलेटर 19, फार्मिंग सिमुलेटर 20, फार्मिंग सिमुलेटर 22, और ऐसी ऐसी बढ़िया बढ़िया गेम्स यार ये लॉन्च करते हैं हर 2 ईयर में या 1 ईयर में। ये यार अपनी एक नई गेम लॉन्च करते ही हैं। तो ये यार बहुत बढ़िया डेवलपर्स हैं, इनको यार फार्मिंग का पता होता है कि कैसे कैसे होती है। तो इसलिए यार ये बहुत बढ़िया बढ़िया यार गेम्स करते हैं लॉन्च। तो यार अब मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो अपने 20 के मॉड हैं, फार्मिंग सिमुलेटर 20 के मॉड्स हैं, तो भाई वो आपको कम्युनिटी पोस्ट में मिला करेंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने यार चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो यार कर लो, क्योंकि भाई कम्युनिटी पोस्ट आपको आगे आ जाया करेगी। और भाई मॉड का लिंक उसमें दिया हुआ करेगा और मॉड की एक फ़ोटो लगी हुआ करेगी, ताकि आपको पता लगता रहे कि कौन सा मॉड है ये, और आप कहीं गलत मॉड ना कर लें डाउनलोड। तो यार लिंक सिंपल सा लिंक हुआ करेगा, और ये आप लिंक को डाउनलोड करना है बस आपको, और कुछ नहीं करना है इसमें। बस ये डाउनलोड कर लो और सिंपल सा एक आपको लिंक मिल जाएगा करेगा ड्राइव का या मीडिया वायर का, आप बस डाउनलोड कर लेना उसमें से। एंड भाई एक और है कि भाई जब हमारे 5K सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे तो भाई हम एक क्वाइन है Q&A करेंगे। आप भाई मुझसे क्वेश्चन पूछना जो कि आपको लगते हैं कि भाई कैसे हैं, तो मैं आपका वो क्वेश्चन के आंसर दूंगा। आप मुझे भाई कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो मैं एक इससे अगली जो वीडियो होगी उसमें भाई आपको मैं बताऊंगा, आप उसमें से हैशटैग आस्क बब्बू गेमर डाल के भाई उसमें से वो कमेंट कर देना। अभी मैं अपनी FS कह रहा हूँ इंस्टाग्राम की स्टोरी पे भी लगाऊंगा भाई, एक क्वेश्चन वाला स्टोरी लगा दूंगा मैं भाई, और उसमें भी आप पूछ लेना मुझसे क्वेश्चन जो भी पूछना है। और जो आपको लगता है कि हाँ भाई पूछने वाला है यार, और कोई उल क्वेश्चन मत पूछना, फिर भाई आप ही बाद में कहते हो कि यार भाई हमारा क्वेश्चन पिक नहीं कर रहे। तो यार कोई जो भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस होंगे तो भाई मैं उनके आंसर दूंगा। तो भाई मैं कोशिश करूंगा कि यार सबके ही मॉड कह रहा हूँ यार, सबके ही क्वेश्चंस पिक करूँ। तो चलो यार अब हमारी वीट कट चुकी है, तो यार वीट की तरफ ध्यान देते हैं अब। तो वीट जा रही है हमारी, कट गई हुई है। एंड भाई इसके बाद हमने इसको ट्रेलर में डालना है, और भाई घर वाले साइलो पे ही हमने अनलोड कर देनी है। अनलोड करके फिर भाई हमने करना है यहाँ पे कल्टीवेटिंग, एंड कल्टीवेटिंग के बाद हमने सोइंग करनी है। तो सोइंग करके बस यार फिर हमने यहाँ पे वीट को फिर सो कर देना है, एंड फिर भाई हम सेल करके आएंगे अगली बार की वीट को, और फिर देखेंगे यार कितने पैसे मिलते हैं हमें। तो यार चलो 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 यार, एक तो यार FS20 में ये बढ़िया यार ट्रॉली वगैरह बैग जल्दी लग जाती है, ये तो यार ट्रॉली बैग ही नहीं लग रही, पता नहीं क्या बात है। तो देखते हैं कितनी परसेंट हमें वीट मिलेगी। तो 51% वीट यार इतने से जगह से निकल आई है, जो कि यार अराउंड सारी वीट ही कट गई है, बस थोड़ा ही है काम तो हमारा। एंड ये चलो यार हमें हार्वेस्टर यार, क्योंकि यार हमें हेल्पर लगाएंगे तो वो हमारे भाई पैसे काटेगा उतने, और इसलिए मैं यार नया फार्म है तो मैं खुद ही कर रहा हूँ, और खुद करने का यही फायदा यार कोई पैसा नहीं कटता है, एंड थोड़ा सा ही टाइम लगता है यार, हेल्पर ज़्यादा टाइम लगाता है। तो चलो 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 चलो, तो भाई ये मैंने एक ट्रिक परफॉर्म की थी, एंड ये देखो यार, पर यार ट्रैक्टर कोई उसमें रुकावट होगी तो इसमें लिए यार पहुंचा नहीं है पे। तो चलो ये हमारे कल्टीवेटर्स एंड सोइंग मशीन खड़ी है, एंड ये हमारा भाई ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ा है। तो चलो
रोकते हैं मशीन को एंड भाई ट्रैक्टर लेके चलते हैं। चल 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 भाई हेल्पर, सॉरी हेल्पर नहीं यार, अब तो हम खुद ही ड्राइव कर रहे हैं। तो ये भाई एक ट्रिक है, तो ट्रिक भाई ये अगर आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं भाई ट्रिक्स आपको अगली वीडियो में बता दूंगा कौन कौन सी ट्रिक है, तो मैं एक सेपरेट वीडियो ही बना दूंगा मैं इसमें। तो भाई फिर आप देख सकते हो कि कौन कौन सी ट्रिक आपको नहीं पता थी, एंड कमेंट कर देना मुझे भाई की ट्रिक बताओ भाई, बस आपको ट्रिक्स का कमेंट करना है भाई, या फिर 16 ट्रिक्स बताओ, ट्रिक्स बताओ, बस आपको 20 कमेंट्स करने हैं इसमें और फिर मैं आपको इसकी ट्रिक्स बता दूंगा। और भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच किया करो यार, मतलब वॉच टाइम थोड़ा रह गया है यार, पूरा करो तो फिर भाई हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो चलो यार अब करते हैं हमारी कल्टीवेटिंग, तो यार जल्दी जल्दी से हमारा वॉच टाइम पूरा करा दो भाई, हम फिर हम भाई कंप्यूटर पे गेमिंग करा करेंगे। तो चलो यार चलो 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 चलो, बस यार थोड़ा ही रह गया है अब तो हमारी कल्टीवेटिंग, एंड एक बस हमारी सोइंग रह गई है। तो मेन पंगा था यार कि हमारी वीट को काटना है, तो वीट हमारी के लिए कट, एंड वीट काट के बस हमें कली अकेला बस यार एक कल्टीवेटिंग करनी है, और कल्टीवेटिंग करके बस हमें एक वही करना है कि बस हमारी वीट को सो करना है। तो यार एक तो यार वॉइस ओवर करते करते ना आदमी थक जाता है यार, बोला भी नहीं जाता लगातार। तो चलो यार अब चलो 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 यार, एक तो इसमें ना ट्रैक्टर्स की स्पीड वगैरह बहुत स्लो है यार, जैसे कि FS20 में था तो हम खेलते थे तो यार वो ट्रैक्टर कोई भी है छोटे से छोटे की भी स्पीड यार बहुत ज्यादा होती थी, कि जैसे कि इतने से कल्टीवेटर को तो यार वो कुछ भी नहीं जानता था, वो जलता था यार फुल स्पीड पे भागता था। अगर यार उसमें रोटावेटर हो था और अगर कोई और रोटेटिंग कल्टीवेटर होता था तो यार जरूर है कि हमारा वो हो जाता था डाउन। तो भाई क्योंकि वो लो गियर में चलता है यार, तो इसलिए वो थोड़े से स्लो चलते थे, पर यार कल्टीवेटर पे तो यार वो फुल भागते थे यार ट्रैक्टर, तो क्योंकि यार अब थोड़े से स्ट्रिक्ट हो गए हैं जेंट्स वाले FS20 पे, तो वो वीडियो अपलोड नहीं करने दे रहे, तो इसलिए यार हम कोई और गेम्स खेल रहे हैं। तो ये बहुत यार थोड़ा सा ना हो जाता है कि अपने, क्योंकि यार पहले हम FS20 की वजह से चैनल ग्रो हुआ था, तो यार अब और गेम डाल रहे हैं तो यार व्यूज़ वगैरह थोड़े से कम आते हैं, आया करो यार कुछ नहीं होता, तो वॉच किया करो यार, शेयर किया करो वीडियो को, क्योंकि यार जितने व्यू आएंगे उतनी जल्दी हमारा वॉच टाइम कंप्लीट होगा। और फिर भाई आप PC लेके आएंगे और भाई मैं अपना PC सेटअप भी बताऊंगा एंड उसकी स्पेसिफिकेशन भी बताऊंगा। तो यार 5K कोई नहीं है, आप याद रखना कि Q&A हम करेंगे जरूर यार 5K पे। तो 5K पे क्यों नहीं आप याद रखना। तो चलो यार ये थोड़ा सा ही जगह रह गया अब, तो बस हमें ये करके कल्टीवेट एंड फिर बस हमें कुछ नहीं करना है, तो फिर हमें बस सीधी यार वीट लगानी है अपनी मशीन से जो कि उधर खड़ी है, आपको पता ही है कल्टीवेटर के साथ ही थी मशीन वो। तो ये यार पता नहीं क्या पंगा हो जाता है, तो चलते हैं यार अब। ये यार गेम में कभी कभी कंट्रोल्स वगैरह नहीं उठाती गेम, पता नहीं क्या बात है, क्योंकि यार FS20 भी ऐसे उठा लेती थी ये गेम, यार थोड़ा सा ना कोई बग वगैरह लगता है मुझे ना, ये उठाती रही है अपने कंट्रोल को। तो चलो जी चलो 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 चलो,
तो हाँ जी, तो बस यार थोड़ा सा रह चुका है अब तो, बस ये हो गया। तो बस यार फिर हमारा काम फिनिश है इसका भी, कल्टीवेटिंग का। फिर बस हम लग जाएंगे अपनी वीट सोइंग पे, वीट सोइंग पे लग के बस फिर हमें कुछ नहीं करना है, बस यही काम रह जाएगा फिर हमारा। और फिर भाई बस हमें देखना है कि कब तक हमारी वीट ग्रो होगी, एंड फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा और फिर हम करेंगे अपनी वीट की कटिंग एंड फिर कल्टीवेटिंग सोइंग, फिर यही काम जारी रखेंगे। और फिर भी हम वाई भी करेंगे न्यू फील्ड्स, और देखेंगे कितने कितने प्राइस की मिल रही हैं, तो यार फिर हमारा फायदा है क्योंकि। क्योंकि यार अगर यार फील्ड ज़्यादा पैसों की होगी हमारे पास, पैसे उतने होंगे नहीं, तो फिर तो कोई फायदा नहीं है यार, लूटने वाली बात है। चलो जी, कल्टीवेटर को करते हैं यहाँ पे निकाल देते हैं। और चलो अब भाई हमारा डाल लेते हैं हमारी सोइंग मशीन। ये यार FS20 वाले सुपर सीटर जैसी लग रही है। तो यार मुझे लगता है ये सुपर सीटर ही है, बस उसका थोड़ा सा लो ग्राफिक वाला वर्जन है ये, या तो यार एक हिसाब से ये सुपर सीटर ही। तो ये भाई आपको गेम में एनबिल्ट ही मिलेगा कोई, यार इसमें ये मॉड नहीं है। और कई भाई पूछेंगे कि यार मॉड है ये, तो नहीं यार मॉड तो नहीं है, तो ये सिंपल से एक बस हमारा यही है कि गेम का ये एक इनबिल्ट हिस्सा ही है ये, बस दिखने में उसकी तरह लगता है यार, और कुछ नहीं, बस दिखने में उसकी तरह है। और बस यार ये है ना जो कि FS20 की मॉडिंग है यार, भाई बहुत मुश्किल है। कई भाई कहते हैं कि हम भाई 2 दिन में सीख जाएंगे, 3 दिन में सीख जाएंगे, तो यार वो कहीं भी यार नहीं लिखा कि यार अब सीख जाओ, क्योंकि यार मुझे पर्सनली अराउंड 6 मंथ लग गए थे यहाँ की मॉडिंग सीखते सीखते, FS20 की फुल मॉडिंग। और बाद में यार लोग कहते हैं तुम तो यार 2 दिन में कर ले, तो ये सब यार हम 2 दिन में कर लेंगे, तो यार 2 दिन में कुछ नहीं होता, कोई भी काम है यार उसमें मेहनत और टाइम तो लगता ही लगता है। तो भाई मुझे भी बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी मॉड बनाते टाइम। और यार बाद में बंदे कहते हैं कि यार तुम ये नहीं कर रहे वो नहीं कर रहे, यार मॉड में सब कुछ होता है यार, आप थोड़ा सा जब गलत कर जाते हो ना काम, तो फिर यार आप मुझे ब्लेम करते हो कि यार तुमने सिखाया था तो तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, यार ये मत किया करो यार, हम यार सब सिखाते हैं, सब कुछ सिखाते हैं यार अब हम। क्योंकि यार जितना हम खुद सीखें तो पहले उतना सीखा करो यार हमसे, फिर आगे की बात किया करो, क्योंकि यार क्योंकि अगर हमें स्क्रैच से कुछ बनाना आएगा तो फिर है यार। और अगर हम पहले कहें कि यार हम सिर्फ 1 मिनट में हमारा मॉड बना लेंगे एंड एंड कर लेंगे, तो ये तो यार कोई बात नहीं है, क्योंकि यार हमें भी बहुत टाइम लगा था, कि हम भी पहले कोई इतने बड़े मॉडर नहीं थे। तो जो बंदे मुझसे पहले से मेरे को जानते हैं तो उनको पता ही है यार कि मेरे 1K भी बहुत मुश्किल से हुए थे, तो उसके बाद से चलो बढ़िया है, सपोर्ट है आप लोगों की यार, जल्दी जल्दी 4K हो गई, और अब थोड़ा सा 5K होने में टाइम लग रहा है, तो वो भी यार चलो आप लोगों की सपोर्ट में हो जाएंगे, और जल्दी जल्दी 6K अराउंड 10K पहुंचना है हमें जल्दी जल्दी। और फिर हम करेंगे अपना एक जल्द, जब हमारा मोनेटाइज हो गया तो बस फिर हम भाई PC लाएंगे और PC की गेमिंग करा करेंगे। तो ये यार मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो बस यार ये थोड़ा सा रह चुका है, तो बस यार करके बस अपना ट्रैक्टर वगैरह लगा के जगह पे तो वीडियो को करेंगे एंड। यार थोड़ा सा ना FS20 के मुकाबले में ये थोड़ी सी गेम ना पुरानी ज़्यादा है, और कुछ नहीं, ये थोड़ी सी पुरानी ज़्यादा है गेम। तो यही पंगा पड़ता है इसमें यार, तो बस रह गया यार 2-4 मिनट की वीडियो, और देख के चले जाना।
तो मैं भाई आपको कोई ऐसे नहीं कह रहा, तो चलो यार इधर से लगा के फिर ही उतर जाएंगे। एक कीड़ा इधर से लगा देते हैं। तो चलो 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 चलो, तो लो जी चलो अब चलते हैं इधर से। एंड ये चलो यार, तो बस यार ये एंड वाले तो गेड़े हमें लगाने लगाने हैं, ये तो आपको पता ही है कि एंड में लगाने पड़ते हैं यार यहाँ पे, ये तो कोई चक्कर वाली बात नहीं है। वो चलो देखते हैं। चलो 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 चलो, बस यार एंड लो जी आफ्टर हार्वेस्टिंग तो क्या थोड़ा सा रह गया होगा यार, इसलिए कह रहे हैं। तो ये लो जी, ये चलो यहाँ से, तो चलो भाई अब तो लो जी बस लास्ट गेड़ा है। एंड इसके बाद बस इसको रोक देंगे, और रोक के भाई ट्रैक्टर लगा के अपनी वीडियो एंड करेंगे। तो हाँ जी, तो बस ये जो थोड़ा थोड़ा जगह रह गया है तो इसको लगा के बस वही कंबाइन के पास ही ट्रैक्टर खड़ा कर देंगे। तो बस यही है यार, एक आधे